इसराइल पर हुए इस हमले का जश्न मना रहे हैं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री ने इस हमले पर इसराइल के साथ खड़े होने की बात की, वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कई छात्रों ने फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी करी। एक नेता ने हमास के फेवर में बयान दिया, ट्वीट किया। दिल्ली की दो बड़ी यूनिवर्सिटीज ने फिलिस्तीन का सपोर्ट किया है। इनफैक्ट स्टूडेंट विंग के अध्यक्ष ने भी फिलिस्तीन को सपोर्ट किया और गौहर खान जैसी एक्ट्रेस भी इसराइल को गाली दे रही। इनके अलावा और भी कई लोग हैं, सोशल मीडिया पर सारे लोग दिख जाएंगे आपको। इतना ही नहीं, ईरान, पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की और यूरोप के कई शहरों में जहां एक खास तबके की आबादी है, वहां इस हमले को सेलिब्रेट किया जा रहा है। एक तरफ का आतंकी संगठन बेगुनाह बच्चों और बुजुर्गों को मारता है, औरतों के साथ रेप करता है, गला काटता है, मारने के बाद कपड़े उतारकर उनकी परेड करता है, तब भी आप विक्टिम के साथ खड़े होने की बजाय जिसने हमला किया है उसी की तरफदारी अगर कर रहे हैं तो ये बताता है कि आप खुद कितने घिनौने आते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के हवाले से एक यूट्यूबर जिनका नाम आरजे ऐसे ही कुछ उनका चैनल का नाम है, उनका कहना है कि इजरायलियों पर जुल्म हो रहा है, इजरायलियों पर सख्ती किया जा रहा है, उनके साथ नाइंसाफी हो रहा है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप उस वक्त कहाँ थे जब फिलिस्तीनियों पर जुल्म हो रहा था, जब फिलिस्तीन के बच्चों को मारा जा रहा था, औरतों को बेपर्दा किया जा रहा था, जब उनके ऊपर जुल्म हो रहा था, तो आप किस जगह सोए हुए थे? आप ये बात बताएं। आज आप झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनके साथ जुल्म हो रहा है, उनको रेप किया जा रहा है, आप उनके बारे में, फिलिस्तीनियों के बारे में गलत बातें कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, आप ये कैसे बोल सकते हैं? जिस वक्त फिलिस्तीनियों पर जुल्म हो रहा था उस वक्त तो आपने नहीं कुछ बोला, उस वक्त तो आप खामोश थे, उस वक्त आपकी ज़बान पर आवाज़ नहीं थी, उस वक्त आपके मुंह में ज़बान नहीं थी, लेकिन आज आपका ज़बान खुल रही है। क्यों? इसलिए कि इजरायलियों पर जब अपना इजरायलियों से जब अपना बदला लेने के लिए फिलिस्तीन ने उन पर अटैक किया, तो अब आपका आँख खुल गई है, अब आपका मुंह में ज़बान आ गई है। मेरे भाई, आप सच्चे को देखिए, आप हक को देखिए कि हक किसके तरफ है। इजराइल, फिलिस्तीन इजरायलियों पर ऐसा ही हमला नहीं किया, सालों से उनका जो है जुल्म वो सह रहा है। फिलिस्तीन वालों ने जो है इजराइल का जुल्म बहुत दिनों से सह रहा है, आज कोई नया नहीं है। फिलिस्तीन के मस्जिदों में लोग नमाज पढ़ते थे रमज़ान के दिन में, उस वक्त भी उन लोगों ने फिलिस्तीन वालों पर जुल्म किया, लेकिन आपने नहीं बोला। अब आपका ज़बान खुल रही है और आप झूठे गलत बात बता रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। या आप सही बयानी कीजिए, वरना आप जो है खामोश रहिए। अगर आप सही बात नहीं कह सकते हैं तो आप खामोश रहिए, क्योंकि आप गलत बयानी सही से भी ज़्यादा आपने गलत बयानी की है। जो आपने कहा है कि फ़लस्तीन के इजराइल के औरतों के साथ गलत रवैया किया जा रहा है, तो ये कहना आपका बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हमने भी एक वीडियो देखा है जिसमें एक लड़की को पकड़ करके किडनैप किया है, लेकिन उनके साथ गलत हरकत नहीं किया है। आपका जो कहना है वो मैं आपका कहने को गलत मानता हूँ, क्योंकि आपने सही बयान नहीं दी है। आप जो है फ़लस्तीनियों के बारे में गलत बातें कर रहे हैं। इसीलिए मेरे दोस्तों, आप जो है सही के साथ रहिए और ना इंसाफी के साथ आप मत रहिए। आप हमेशा इंसाफ पसंद के साथ रहिए,